चले जाते ना कभी मेरे पीछे पड़ती गई झगड़ा करने के लिए, तो इतना मजनू हो गया है ना सही में इतना का बहुत ज्यादा, मेरे को गुस्सा दिला रही है कुछ नहीं है मेरे को। मैं ये अपने घर की बहू बनने के लायक नहीं, तू बोल रहा है मैं कपड़े अपने नहीं 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 लो। अरे तू कपड़े नहीं नहीं सुजान दो से घर पे सस अपनी जाएगी मैं के में। हे गाइज वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं, क्योंकि आज करने वाली हूँ गाइज मैं खतरनाक इनके साथ एक प्रैंक, क्योंकि गाइज ये सबके साथ प्रैंक करते रहते हैं, कभी मेरे साथ कभी मम्मी के साथ कभी पापा के साथ, हमें कुछ मौका नहीं मिलता कि हम इनके साथ कुछ प्रैंक कर पाए या कुछ कर पाए, क्योंकि आप लोग उनको ही सब प्रैंक बताते हो, हमें मुझे कुछ बताते नहीं हो, इसलिए मैं कुछ कर ही नहीं पाती उनके साथ। तो आज ऐसी लेटी हुई थी और मेरी तबीयत भी गाइज सुबह से थोड़ी सी खराब है, तो मुझे अच्छा मौका मिला है कि मैं इनके साथ एक प्रैंक कर देती हूँ। तो मतलब प्रैंक में ये रहेगा कि मेरा और मम्मी का ऐसे मतलब झगड़ा होगा थोड़ा सा, देखेंगे कि किसकी साइड लेते हैं क्या होता है। तो मतलब आज हम उनकी पूरी तरह से बैंड बजाने वाले हैं और इस प्रैंक में साथ देंगी हमारा मम्मी। मम्मी कर लोगी ना? मैं नहीं कर पाऊंगी बाबा। अरे कर लोगी, मैं आपको सब बता दूंगी कैसे करना है। तो सच्ची में थोड़ी करना है ऐसे झुट झुट को करने का है ना, कैसे करूंगी मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है। ऐसे करना है, मैं जैसे सुबह से ऐसे बीमार पड़ी हूँ, बीमार को लेके मतलब ऐसे आपको बोलना है कि सुबह से पड़ी है कुछ काम वाम नहीं करा है ये वो करके ऐसे करके झगड़ा करना है हमको। आपको जो बोलना है बोल दो ना, सब अपने मन की भड़ास निकाल दो ना, जो इतने सालों से आपने छुपा रखी सब बोल दो ना। आपको साथ नहीं देना मेरे साथ ये प्रैंक में, देना है पर ये कैसे करते रहते हैं हमारे साथ, हमको भी इनकी वाट लगानी है अच्छे से। तो आपको मैं समझाती हूँ कैसे कैसे बोलना है, आपको झगड़े को लेके बोलना है, मतलब के पड़ी हुई है सुबह से ये है वो है, जो आपको बोलने का ना जो आपके मुंह में है सब बोल देना, बाकी मैं आपको सिखाती हूँ कैसे बोलना है। ठीक है, रेडी हो ना? और हंसना हुआ तो मम्मी समझ जाएगी, तो पकड़ लेगी हमारा प्रैंक, वो हो जाएगा एकदम फेल। तो गाइस अभी वो आने वाले हैं, मैंने उनको फोन किया तो बोले मैं रास्ते में हूँ, क्योंकि शाम से गए हुए और अभी तक आए नहीं है। तो मैंने बोला कब तक आओगे, तो बोले आधा घंटा लगेगा, जब तक मैं कैमरा वैमरा सेट कर देती हूँ और मम्मी को भी थोड़ा बता देती हूँ क्या बोलना है, क्योंकि मम्मी बोल नहीं पाएंगे इस वजह से मम्मी को थोड़ा सिखा देती हूँ। तो अभी देखते हैं, चलो गाइस फटाफट कैमरा सेट कर देते हैं और वो आने वाले हैं, जब तक चलो बाय। 20 मिनट्स लेटर। क्या हो गया, कैसे पड़ी है? खाना खाया? बोल तबीयत ठीक है क्या? अभी जब ठीक हो जाएगी तब बता दूंगी। ये क्या जवाब हुआ तेरा, मतलब प्यार से पूछ रहा, बताना खाना खाया? अब जब करूंगी ना काम, जब ही खाना खाऊंगी, मैं ऐसे खाना नहीं खाने वाली हूँ जब खुद बना के खाऊंगी ना तभी, क्योंकि अभी तो मैं ऐसी पड़ी हूँ बहाने करके। तेरे से मैंने क्या ऐसे बोल दिया? मैं तेरे से पूछ रहा हूँ खाना खाया दवाई खाई, मैं अभी बाहर से, मेरे को क्या बोल रही तू टिड्डी बात? हाँ मेरे को बोलते है ना ऐसे कि काम नहीं करती है, पूरे दिन पड़ी रहती है, बस पूरे दिन लेटने को दे दो, महारानी की जैसे काम नहीं करती है, बस पड़ी रहती है, इसको जगह पे सब ला के दो। कौन बोल रहा है? अब मैं जब काम करूंगी ना, जब भी खाऊंगी पीऊंगी कुछ। कौन बोल रहा है, कौन ये सब बात बोल रहा है तेरे को? मम्मी ने बोले कुछ? पूछ लो जाके। पर सब तो ठीक था, मैं 6 बजे खुद गया था बाहर, जब तो कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हुआ। आप जब गए हो ना आपके सामने ठीक था, आपके बाद सब बिगड़ गया था। क्या हो गया था? ये काम कैसे मैंने उस सब पड़ी है सुबह से सब जगह पे लाके दो, इसको काम धंधा नहीं कर सकती है, बस पड़े पड़े ऑर्डर करती रहती है। तो तबीयत मैं क्या बहाना कर रही हूँ? बोले बहाना करती रहती, मैं बहाना कर रही हूँ उसका? तो आप देखते हो मैं अच्छे से रहती तो मेरी। अरे तो बोल देती ना तबीयत खराब है, क्योंकि कल बताया भी तो था डॉक्टर साहब रात को कि पानी डालने को मना किया है, मेरे पूरा गला जाम हो रहा है, पूरे सीने में मेरे दर्द हो रहा है, कितनी सर्दी हो रही, छींक आ रही है, नाक में से पानी चल रहा है इतना। चल छोड़ जान दे। तो ये भी मैं नाक में से भी पानी खुद ही निकालती हूँ ना। चल जाने में ला रहा खाना, चल खाना खाएंगे, दवाई खाना। मैं नहीं खाऊंगी अभी खाना, जब तक मैं ठीक नहीं होंगी ना, बनाऊंगी नहीं खुद से, खाऊंगी नहीं, मैं खाऊंगी ही नहीं खाना। वही मैं आज अभी 11 बजे बाहर से, रोज 12-1 बजे तक आता हूँ, जब कुछ नहीं, आज 12 बजे मम्मी अभी देखा तो मैं मम्मी बहुत जल्दी मम्मी लेट गए सोने के लिए। पूछ लो जाके क्यों लेटी है। चल ला रहा ना खाना, चल खाने खाएंगे। मैं नहीं खाऊंगी खाना, बाहर से मंगा के कुछ खा लूंगी, लेकिन यहाँ नहीं खाऊंगी घर पे खाना कुछ, मैंने बनाया ही नहीं कुछ, तो खाऊंगी क्यों मैं? बोला मम्मी को पूछो क्या हो गया। इधर से ही आवाज देके बोलो आने को। पागल अच्छा लगे हमको आवाज देके बुलाऊंगा ऐसे, रुक बुला के लाता हूँ जाके। अभी 2 सेकंड में इधर से ही आवाज देके बुलाओ, नहीं तो आपकी बोली बोलने लग जाएंगे, बोलने लग जाओगे उनकी बोली, आप भी सिखा देंगे आपको भी। चूतिया या कुछ भी कुछ भी बात बोल रहे, शांत रहे एकदम, आराम में बुला के, और ज्यादा फालतू कुछ बोलना मत, प्यार से बात जो भी करना, अंतरो जो बात रहेगी ना वही बोलूंगी। मम्मी
मजा आएगा ना भिड़ो। क्या हो गया, क्या हुआ, क्या बोल रही है? कुछ नहीं, खाना नहीं खाया, बोले खाना नहीं खा रही। नहीं, कब से क्या बोल रही है? सिखा दिया। क्या सिखा दिया मैंने? कुछ नहीं सिखाया, वही बोल रही थी कि मम्मी को बुला के लाओ। मतलब मैं बोला था बुला के लाने के लिए। नहीं, कब से सुन रही हूँ, सिखा दिया। मैंने तुझे क्या सिखा दिया है? क्या सिखा दिया मैंने इसको जो तू ऐसे बोल रही है? सुबह से बोले पढ़ी है, बताओ ना अब इनको, बोलो ना। हाँ, तो पढ़ी तो कर रही है ना। क्या कर रही है तू, कौन सी कमाई कर रही है? ऐसा होता है क्या, सर्दी होती है, बुखार होता है, इंसान चलता फिरता है, नींद आती रहती है क्या? दवाई वही खाएंगे तो नींद नहीं आती है, दवाई में नशा नहीं रहता है ना। अरे डॉक्टर ने सो बोला था पानी में हाथ में डालना, मेरी तबीयत से दिख रहा नहीं आपको? दिख रहा है तबीयत खराब है माना, पर उठते है थोड़ा बैठते है सुना है, थोड़ा भी कुछ बोलो तो चढ़ के आती है, चढ़ के तो बराबर आती है। जो बात रहेगी मैं तो बोलूंगी ना मैं आपको, देख कुछ बोलो तो बस उल्टा जवाब देती है। उल्टा जवाब क्या, वही तो बता रहे डॉक्टर ने मना किया उसको काम करने के लिए, बोला दवा। अभी मैं अकेली गई हूँ तो मैं बयान चला के बोल सकती हूँ, साथ में गई थी ना मैं, तो मैं भी तो ना बोल रही, कौन सी भाड़ा चढ़ा बोल रही है? तो मैंने खुद रात को आके बताई थी, मेरा डॉक्टर ने मना किया पानी में हाथ डालने के लिए, थोड़ा दवाई खाओ आराम करो, थोड़ा एक दो दिन ध्यान दो बोला आपने। अरे परेशानी होती है, हमको भी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, हम भी परेशान रहती, मैं कितनी पैर से परेशान रहती, पड़ती नहीं हूँ काम, इसको तो थोड़ी सी सर्दी हो जाएगी पड़ जाएगी, तो सर्दी में परेशानी होती, थोड़ा सा नीचे नीचे झुको तो फिर पानी गिरता, आटा गूंदो तो अपन नाक में से फिर वो करते रहो कि आटा गूंदो, तो हम करते ना आटा, हम गूंदे पर बाकी और भी तो काम है, बैठ सकते हो क्या, पानी में हाथ डालो तो फिर और परेशानी, छोटी छोटी बीमारी को लेकर पड़ने आगे बिस्तर तो बस जिंदगी कट गई, हम भी तो परेशान रहते हैं ना। अरे छोड़ो जान दो, क्या हो गया, चलना छोड़ना, खाना ना खाना अभी। तो मैं क्या कुछ बोल रही हूँ कि नहीं, मैं जब बनाऊंगी ना जब ही खाऊंगी, मुझे बोलती है बना बनाया खाने को मिल रहा है, पड़ी रहती है। अरे मम्मी तबीयत खराब है इसके लिए, क्या बना बना के करती नहीं है, तो सही बात है, खिला रही नहीं सुबह से, मैं बना बना खिला रही हूँ पलंग पर, फिर भी चर्चा करती है ना, तू तो बोले मत, इस सब तेरी तो चढ़ाई हुई है ही है। अरे जब तबीयत खराब है तेरे, तू कैसे बोल रहा है? हाँ तुझे शर्म आ रही है, तुझे शर्म आ रही है मम्मी से, अपने क्या बात कैसी बात कर रहा है, आ रही शर्म तुझे? इसको तो बोलने से गया, मुझे बोल रहा तू, तो उसको मैंने बोला ना, उसको इसको मैंने समझाया, मैंने छोड़ जाने खाना खा ले, क्या मेरी कुछ गलती थोड़ी ना है, मेरी गलती है क्या, ये भी मेरी गलती है? नहीं भाई मेरी गलती है, नहीं मेरी गलती है, नहीं बाबा नहीं, मैं सबको संभालती हूँ, मेरे को कोई नहीं एक दिन संभाल सकता है, हम भी संभालते हैं, हम तो परेशान रहते तभी भी काम करते हैं ना, पचेरे तो होना पड़ता है कोई, जैसे तू करती है, ऊपर से वो आ गया हमको, मुझे ही बोला चुप होने के लिए। अरे मैं कुछ नहीं बोल रहा यार, तू ही चुप हो जा, चलना शांत होना, चुप करना, खाना ना खा लेना, छोड़ना। तो मुझे ही बोलोगे ना, तो किसको बोलो, दोनों में से एक को तो बोलना पड़ेगा, एक को तो शांत होने पड़ेगा दोनों में से, कि दोनों ही बोलते हैं तो फिर करते रहो रात भर युद्ध, कर लो तलवार ले लो हाथ में, ढाला ले लो, झगड़ा करते रहो रात भर, युद्ध लड़ लो, एक को तो शांत होने ही पड़ेगा, दोनों शांति बैठी हुआ, तो मैं यही बोल रहा हूँ ना, कैसे से मुझे बोला, मैं बाहर तो शांत हो जाना, छोड़ना, चुप करना, मम्मी छोड़ना, तो ही शांत हो जाए, तो मुझे ही बोल, मैं तो बोली तेरे को बता दी दो चार खींच के। अरे तो दोनों में से एक को तो शांत होने ही पड़ेगा ना, दोनों ही करते रहोगे तो फिर तू मुझे क्यों बोला? तू तो इतना मजनू हो गया है ना सही में, इतना का बहुत ज्यादा वो बोलेगा वैसे बस वैसे ही करता रहेगा। सही है, इसकी तरह बोलो तो ये बोले कि मेरे को ही बोल, नहीं मुझे ही बोल रहा था, तुम बोलो कि मेरे को बोल। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं, किसकी तरफ बोले, मैं बोल रहा नहीं, भारी भारी पर मेरी गलती क्या थी? नहीं उससे तो भारी ठीक था, भार अपना अच्छे से घूम फिर तो रहा था, थोड़ा भार गया था काम से, उसके बाद भार तो कम से कम ठीक था, घर में तो छोड़ दे करो, किधर घर में किधर चली जाऊंगी, हम किधर चले जाए, मैं भी कहीं सब जाते रहो ऐसे ही घर में से निकल रहे, लड़ते रहो ऐसे जाते रहो, जुबान पे तो बिल्कुल काम वो है ही नहीं है, जुबान देवा उसकी लंबी चलाएगी दुनिया भर की, ऐसे काम भी करेगा ना लंबे लंबे काम थोड़ा ना करती, मैं पूरे दिन बिस्तर पे पड़ी रहती हूँ, बिस्तर पे कहा ज्यादा पड़ती, काम कम करती है, देख रहे हो क्या देख रहा हो, शांत हो जाओ, दोनों को बोला ना एक दिन को शांत होने पड़े, फालतू में बैठे कर रहे हो, नहीं आपको लग रहा रहेगा ना कि बना चढ़ा के बोल रही है, इसलिए मैंने बोला कि सामने सामने बुला के लेके आओ, तू ज्यादा मत बोल, मैं बोली तुझे ज्यादा मत बोल, छोड़ना मम्मी, इतनी सी बात पे इतना तुमने बात बड़ी कर रहे हो, तू ही शांत हो जाए मम्मी, तुम ही शांत हो जाओ, दोनों में से एक जन शांत हो जाओ ना। अरे बहुत बोलती है तुझे, क्या होता तो बाहर रहता है, देने का मेरे पीछे पड़ती है झगड़ा करने के लिए, इतना बोलती है बस कुछ बोलो पूछो मत, थोड़ी छोटी बात में बोलेगी चिल्ला के डट के आती है मेरे पे, जब जुबानी बंद नहीं रहती, पता नहीं क्या है, जुबानी इतनी चलती है हद से ज्यादा, अभी मैं शांत बैठी हो रही हूँ जब, तो बता रही हूँ मैं उसको तेरी हरकत है, चलना अब चुपचाप बैठी ना, तू शांत हो जाना मम्मी,
मैं कुछ नहीं बोलनी चाहिए, ये सब मुझे बोलती रहेंगी चलेगा, मैं इनकी बस सुनती रहूं बैठी बैठी। जब देखो जब बीमार होते हैं चलते फिरते भी हैं, ऐसे तो ना पलंग पे ही पलंग पे बस पड़े। जब मेरी ज्यादा ही तबीयत खराब होती है ना, जब भी मैं पढ़ती हूं तो मैं बराबर काम करती हूं। खराब हो रही है कौन सी हो रही है? थोड़ी सी सर्दी खांसी हुई, इसमें सर्दी खांसी बुखार थोड़ी ना हो रहा, मुझे पूरी कमर में दर्द हो रहा है। उम्र भाई जब तेरा क्या हाल होगा, ऐसी करेगी पता नहीं क्या होगा मेरा। हम भी तो रहते ना, हमारे पैर में कितनी परेशानी है, फिर भी अब चलते हैं करते हैं करते हैं ना, ऐसे पढ़ते हम तेरे ऐसे छोड़ना, हमें जानना चलना। शांत हो ना तू भी। शांत हूँ और क्या बोलूँ, वही तो मुझे बोल रही है कब से, मैं क्या बोल रही हूँ उनसे। मैं बेचारा बच्चा भी देख रहा है सब, वो बोला गया झगड़ा हो रही घर में, अच्छा लग रहा है क्या? नहीं मैं ही चली जाऊंगी किसी दिन कहीं, मैं जब मेरे को मेरे घर पे छोड़ दो मैं वहीं चली जाऊंगी। नहीं तो बहुत जुबान चला रही है, मेरे घर पे छोड़ दो, बहुत जुबान चला रही है तू, बहुत मेरे को मेरे घर पे छोड़ दो, मेरे को गुस्सा दिला रही है, कुछ नहीं है देखो मैं। अरे तू शांत रहना, तेरा मुंह बंद रखना। हां मैं बहुत हो गया, नहीं नहीं बहुत हो गया इसका अभी, इतनी सी क्या छोटी सी बात तुम झगड़ा कर रहे हो? नहीं जब तक तो मारूंगा तो दो चार आ जाता है, शांत होने होने वाली है। चुप करना चलना, अच्छा लग रहा है तेरे को फालतू में इतनी बात इतनी बड़ी? जब मैं बोल रही हूं घर पे जाने के, बोल रही हूं मुझे छोड़ के आ जाओ घर, घर में सब चल रही कलेश, छोटी सी इतनी सी बात पे काम के पीछे मम्मी तो तुम भी इतना झगड़ा कर रहे, छोटे से काम के पीछे झगड़ा करने लग गए। छोटा सा काम है ना तुझे, थोड़ा तो एक दिन की तबीयत खराब तो क्या हो गया? इतने दिन से हैंडल नहीं करती मैं रोज काम, काम धंधा करती नहीं हूं। बात बताओ तुम लोग मारपीट में आ रहे हो? नहीं इसकी जुबान चलती बहुत है, वैसे दो कान में पड़े सुधर जाएगी। छोड़ मैं नहीं खाऊंगी खाना, मैं बाहर से भले जाके खा लूंगी लेकिन घर में खाऊंगी नहीं कुछ। लग रहा तो ऐसे दिखाई क्या ठिकाना बहुत ज्यादा। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख तेरी। मेरे से बोलने का ही नहीं अब कुछ। मत बोल इससे, मत बोला करो कुछ भी इससे, जो कर रही ना करने दो इसको। ये ऐसी बहुत जवान आजकल ना, बहुत जवान लड़ाने लग गई है तो करते करते मुझसे भी, मेरे को भी कहाँ जीने देती, मैं भी बाहर से मेरे से बुल्टी उल्टी बात करी, मेरा कुछ मतलब भी नहीं था। और इसकी आदत है ही ऐसी छोटी छोटी बात पे कलेश बनाना, आपको क्या हुआ झगड़ा करना इसका ऐसे ही है। और तुमसे भी उससे उल्टी उल्टी बात करी, अपने घर की बहू बनने के लायक है ही नहीं है ये, क्या लायक है क्या लायक घर की बहू बनने के लायक है? झगड़ा उल्टी उल्टी बात तुमसे उल्टी उल्टी समझती है उसको कि मम्मी है, मेरे सास है, मेरे सास से कैसे बात करूँ कैसे नहीं करूँ, तुमसे उल्टी उल्टी बात मुझसे उल्टी उल्टी बात, जब देखो पीछे पड़ी रहती है। छोड़ो ये अपने घर की बहू बनने के लायक नहीं है, इसको बोलिए ना मैके जा रही हूँ, मैके जाएगी मैके, इसके कपड़े वपड़े निकाल के दे रहा हूँ मैं इसको, और जा तो तेरे मायके जा आराम करना। कपड़े के निकल, तू क्या कर रहा है कपड़े वपड़े? नहीं 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 लो कपड़े वपड़े, अरे छोड़ ना तू, कपड़े कपड़े पे क्यों निकाल रहा है? अरे क्या हो रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं, पागल है तू? नहीं नहीं इसको जान दो, घर पे अपनी जगह मैके में वहाँ रहेगी अच्छे से, जान दो इसको वैसे काम से परेशान। अरे अभी तुम ही तो बोले थोड़ी देर पहले की काम नहीं करे सुबह से, तू की बोला सच्ची बोल रहा हूँ उसके मायके में, हम ऐसे ही कर रहे थे कुछ नहीं करते कभी तो तुम झगड़ा करते हो नहीं, और इतनी सी बात पे इतनी बड़ी बात हो ही सकती ही नहीं है। मैं बोला यार इतना तो हो नहीं सकता, इतनी सी बात पे इतना झगड़ा, मम्मी भी समझती तबियत खराब रहती, मम्मी खुद तेरे को करके देती है जान दे आराम कर
और मम्मी इतनी सी बात करते झगड़ा कर ही नहीं सकती, मैं समझ गया था। मैं बोला और शांत भी कर रहा था, मुझके मेरे ऊपर चढ़ चढ़ के आ रहे और मैं बोला मम्मी मारने को भी चढ़ रही। इसी बात मेरे दिमाग में समझ में नहीं था, घूम रहा था मेरे सर में क्या क्या चेक कर रहा है, बहुत देर था मैं सोचा समझा मैंने शांति करा है। मेरे अचानक मम्मी देखा मैंने कैमरा वहां छुपा रखा था, तो आपको इधर उधर नजर घुमाने की क्या जरूरत थी, देख लिया मैंने कैमरा तो फिर मैंने भी इन लोगों के मजे ले लिए। मेरा ठीक है नहीं है तो हमारे घर की बहू बनने के लायक, निकल अपने घर भाग चलो। जब से वही मैं बोलूं गाइस, जब से तो मेरे साइड ले रहे थे, कब से मम्मी का बोल रहे थे ऐसे वैसा कुछ भी बोल रहे थे, और अभी एकदम से इनको क्या वो जो मेरे कपड़े निकाल के बोल रहे तो निकल यहाँ से। और इनको भी पता है गाइस कि सुबह से मेरी तबीयत थोड़ी सी ऐसी खराब थी, तो इस वजह से ज्यादा मतलब मेरे को मौका मिला कि मैं इनके साथ कर लूंगा और हमारा प्रैंक सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन मैं हुआ और मम्मी मतलब नहीं कर पा रहे थे, एकदम रियल लग रहा था मेरे को तो कसम से, सही में सही में झगड़ा हो रहा है। तो हम लोग ऐसे मतलब मेरे पहले ही बोलते थे मम्मी को एकदम, मम्मी ऐसा रियल हो जा रहा है कि सही में हमारा झगड़ा हो रहा है, बिल्कुल भी हंसना मत। मुझे तो अभी बीच बीच में से हंसी आ रही थी, बहुत कंट्रोल कर रही थी, लेकिन मम्मी को बिल्कुल हंसी नहीं आई, मम्मी एकदम सीरियस जोन में चले गए। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी तबीयत खराब होती तो मम्मी मेरा बहुत ध्यान देते हैं। अभी सर सुबह से भी मेरी तबीयत खराब थी, मैंने कुछ नहीं किया, मतलब बेड पे ही पड़ी थी, कमर में थोड़ी सी चमक आ रही थी, सर्दी वर्दी भी बहुत हो रही थी, तो इसने फायदा उठा लिया इसका, तो इसलिए मैंने इसका फायदा उठा लिया, क्या लगे हाथ मैं भी मोचा मार ही लूं। मोचा मंदिर से मैं तुरंत अभी जस्ट घर पे आया, मेरे को लगा कि वहां से लेट आया इसके लिए गुस्सा हो गया, बोल रही मैं खाना नहीं खा रही, बाद में पता पड़ा कि ये लोग क्या अलग ही प्लानिंग चालू थे मेरे साथ प्रैंक करेंगे, प्रैंक स्टार के साथ प्रैंक करेंगे। पर बेटा आवाज तो आपकी लग जाती थी, पर आपकी सिट्टी बुट्टी बुरी हो गई, जो भूख तो होते उड़ गए थे तो गाइस आपको अगर हमारा प्रैंक अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको एक्टिंग सबसे ज्यादा किसकी अच्छी लगी। अभी गिर जाती थी, आपको एक्टिंग गाइस किसकी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, मेरी की मम्मी की? और ये देखो यहाँ पे मम्मी भी, अभी थोड़ा मम्मी ने भी बहुत कुछ सोच रखा था कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, फिर भी इसमें हम लोग ने बहुत इनके मजे ले लिए क्योंकि मुंह देखने लायक था इनका। तो गाइस हमको कमेंट करके बताना कि किसकी वीडियो प्रैंक मतलब किसका क्या बोलते हैं इसको, किसकी एक्टिंग ज्यादा अच्छी लगी। और कमेंट में और ज्यादा गाइस इनको जैसे बताते रहते हो आप कि ये प्रैंक करो वो प्रैंक करो भैया ये वो, ऐसे मुझे भी बताया करो कि मैं भी कुछ करूँ इनके ऊपर, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं मिलता है कुछ करने को। तो इसलिए गाइस कमेंट में जरूर बताना कि नेक्स्ट प्रैंक इनके साथ क्या करो, और प्रैंक को बहुत सारा प्यार देना, बहुत कोशिश करी वैसे तो हमने इनकी। अरे हाँ बाबा, तो गाइस चलो हम ये वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। आप लोग कैसा लगा, आप लोग को कैसा लगा ये दोनों का प्रैंक कमेंट करके जरूर बताना, और मम्मी की एक्टिंग अच्छी लगी कि इसकी आना की एक्टिंग अच्छी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में अगले प्रैंक चैलेंज के साथ। बाय बाय।